हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 75 की, जो कि 24 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है हम बीमार क्यों होते हैं, और आज हम इसमें पढ़ेंगे रोगाणुओं के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है? तो बच्चों, अगर हम बात करें कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के कारक हैं, जिनसे हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है। अब हम ये भी जानते हैं कि तत्कालिक कारक जो किसी रोग के होते हैं, वो सूक्ष्म जीव तो होते हैं, और इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जो इनसे रोग होते हैं। बच्चों, हम संक्रामक कारकों को श्रेणी के रूप में बांटते हैं, और अगर जब इन्हें बांट देते हैं तो इनके उपचार के प्रकार में हमें निर्णय लेने में मदद, यानी कि एक प्रकार का संक्रामक कारक एक निश्चित प्रकार के किससे, दवाइयों या उपचार से ठीक होगा। अब अगर बात करें जैसे कि एंटीबायोटिक, जो दवाई होती है, केवल बैक्टीरिया से होने वाली रोगों के लिए प्रभावी होती है, ना कि वायरस या अन्य किसी रोग संक्रमण से जो प्रभावित होते हैं उनसे निपटने के लिए। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों में एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें कुछ वायरस है, कुछ कवक है, कुछ फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया है, और कुछ एक कोशिकीय जीव है, और अनेक प्रकार के परजीवी या कृमि भी हैं। अब अगर हम बात करें रोगाणु की, तो रोगाणु क्या है? वह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक जीव होते हैं। कौन से होते हैं रोगाणु? कौन से होते हैं जो स्वस्थ जीवों में रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन रोगाणुओं में शामिल होने वाले कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ बहुकोशिकीय परजीवी या कृमि भी होते हैं। अब रोग वाहक कौन होते हैं? ये वह जीव होते हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, जैसे कि मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर और कुछ कीट। अब ये कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं? जैसे रेबीज का रोग है, रोग वाहक द्वारा, यानी कि एक जो जानवर है उससे किसी स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है। बच्चों, जैसे कि आपका कुत्ते के काटने पे जो रेबीज रोग है वो जाता है। अब ये क्या दी हुई है बच्चों? ये एक छोटी सी लिस्ट दी हुई है। ये क्या कह रहा है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जिन्हें हम बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग कहते हैं। अब इसमें है टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी या कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनेरिया, सिफिलिस या एंथ्रेक्स। अब वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे बच्चों? इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माता या छोटा चेचक, खसरा, गलसुआ या मम्स जिसे बोलते हैं, एड्स, पोलियो या सर्दी खांसी जुकाम, हेपेटाइटिस, हर्पीस, दिमागी बुखार या रेबीज। बच्चों, अब प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से रोग हैं बच्चों? मलेरिया, कालाजार जो कि लेशमानिया से होने वाला है बच्चों, फिर है निर्दालु वृद्धि जो कि ट्रिपनोसोमा से होने वाली है, और एमीबियासिस, ये कुछ रोग हैं बच्चों। अब परजीवी कृमि से होने वाले रोग कौन से बच्चों? एस्केराइस, पिनवॉर्म, फीताकृमि, अंकुश, सीलपाव। और कवक से होने वाले रोग कौन से बच्चों? आपका कैंडिडेट संक्रमण, नाखून का संक्रमण, दांत खाज, त्वचा रोग इत्यादि। बच्चों, तो ये तो बात हुई बच्चों आपके अलग अलग रोगों की और कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या आपका कि क्या सभी सूक्ष्म जीव रोगों के कारक होते हैं? तो बच्चों, हम जब सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं तो हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो जो बुरे की कैटेगरी है उसमें हम रोग कारकों वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में समझते हैं। अच्छे वाले में कौन से हमारे? जो कि हमारे खाना बनाने में मदद करते हैं, या फिर आपके जैसे अगर बेसिक एग्जाम्पल देखें तो जो दूध से दही का बनना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा, वो जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, ऐसे जो जीव है वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये कहना कि सारे के सारे बेकार हैं, ये गलत है बच्चों। फिर है संक्रामक रोग क्या होते हैं बच्चों? तो बच्चों, अगर संक्रामक रोग की बात करें, वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं बच्चों। ये आपका उत्तर है। फिर है प्रश्न नंबर 3, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5-5 रोगों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आपके ये नाम दिए हुए हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाले और ये वायरस से होने वाले, इसमें से आप 5-5 नाम लिख सकते हैं बच्चों।
चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है कालाजार और निद्रालु व्याधि में रोगों के कारकों के नाम बताइए। तो कालाजार होता है लेशमानिया से और निद्रालु व्याधि होता है ट्रिपनोस्टोमा से। बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।